नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूँ आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू जी, नमस्ते। बेवजह घबराना, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, आंखों के आगे धुंधलापन छाना, ये लक्षण है खतरनाक, जानलेवा हो सकता है लो ब्लड प्रेशर। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। दुनिया में बड़ी तादाद में लोग लो बीपी की समस्या से ग्रस्त होते हैं, लेकिन ज्यादातर को ना तो इसके लक्षण पता होते हैं और ना ही लोग समय रहते इस पर कोई एक्शन लेते हैं। नतीजन ये जानलेवा साबित हो जाता है। आज संजीवनी में हम लो ब्लड प्रेशर के हर पहलू पर बात करेंगे और डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि नेचर और आयुर्वेद का सहारा लेकर कैसे आप इस रोग को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले ये बताइए कि लोग अक्सर लो ब्लड प्रेशर की समस्या को हल्के में लेते हैं, ऐसा देखने के लिए मिलता है, या फिर टोटली नजरअंदाज करते हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर को तो जानते हैं, लेकिन जहाँ लो ब्लड प्रेशर है उसके बारे में बहुत नॉलेज लोगों को नहीं होती है। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि सभी को मालूम होगा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा होता है 120/80, आमतौर पर आप जब चेक कराते हैं, थोड़ा कम हो जाए 110/70 तक चलता है। लेकिन लो ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिसका 90 ऊपर वाला, 90 नीचे वाला, 60, यहाँ तक भी चल जाता है, क्योंकि उनकी जो है रूटीन में इतना रहता है। लेकिन 90-60 से यदि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ऊपर वाला 90 से कम हो, नीचे वाला 60 से कम हो, तो उसको फिर हम लो ब्लड प्रेशर का रोग हम जो है उसको गिनते हैं। और अक्सर इसमें जो लक्षण देखने को मिलेंगे आपको उसमें, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो चक्कर आता है, सिर में भारीपन हो जाता है, या सिर में हल्का सा दर्द भी कई बार महसूस करते हैं लोग, या जी मिचलाता है, नौसिया जिसको बोलते हैं। इसके साथ साथ बेहोश होना, कई बार कई लोगों को बिल्कुल जैसे फेंटिंग हो जाती है, गिर जाते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं लोग, माइंड भी उनका जो है ठीक से ओरिएंटेशन नहीं होता, एक गफलत सी की सिचुएशन उनको रहती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी हो जाता है। इसके साथ साथ मेमोरी लॉस होना, या फिर जो है ब्रेन के अंदर कुछ जैसा एक डल फीलिंग, लेजी लिथार्जिक फीलिंग होना, आंखों के आगे धुंधलापन हो जाता है जब चक्कर आता है, और उसके साथ साथ बहुत थकान महसूस करता है व्यक्ति जो है, थकान शारीरिक लेवल पर उसको जो है शरीर में कुछ कमजोरी महसूस होती है, शरीर ढीला महसूस होता है, जैसे पूरा बॉडी लूज हो गया है, और त्वचा कई बार ठंडी हो जाती है, या त्वचा थोड़ी पीलापन उसमें आ जाता है, सांस खिंच करके आता है, कभी कभार जो है बहुत ज़्यादा हार्ट रेट भी उसका पेशेंट का कम हो जाता है। तो ये तमाम लक्षण जो हैं इसके देखने को मिलते हैं। यदि आपको इस प्रकार के लक्षण हैं तो एक बार ब्लड प्रेशर अपना जरूर चेक कराएं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे सरल उपाय जिनका आप जो है प्रयोग करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा और आपके शरीर में और भी कई अन्य फायदे उनसे होंगे। डॉक्टर चौहान, निम्न रक्तचाप के 7 कारण कौन से आप देखते हैं? देखिए, सबसे सरल सिंपल कारण है, जो लोग पानी नहीं पीते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं, डिहाइड्रेशन यदि हो जाए हमारे शरीर में, उससे आपका ब्लड प्रेशर गिर जाता है, या फिर खून की कमी हो जाए शरीर में, किसी भी कारण से हो सकती है, आपको कहीं चोट लग गई उसके कारण आपका ब्लड लॉस हो गया है, या कई बार महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन के समय एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, या कोई इंटरनल ब्लीडिंग कहीं हो जाती है, कई बार आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, कोई भी ब्लीडिंग का जो है लॉस का कारण होगा, उससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तीसरी चीज, यदि आपको एनीमिया है, पोषण की कमी है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, खाना ठीक से आप नहीं खा पाते हैं, या पोषक चीज़ें आप नहीं खा पाते हैं, तो उससे धातु क्षय होता है, आयुर्वेद में लिखा है। और हार्ट की प्रॉब्लम यदि आपको रहती है, हार्ट आपका कमज़ोर है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं, हार्ट के वॉल्व वीक हैं, तो हार्ट पंपिंग नहीं कर पाता, तो भी ब्लड आपके शरीर में ठीक से नहीं पहुंच पाता है, प्रेशर उसका कम रहता है, या ब्लड में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए, ब्लड में कोई खराबी आ जाए, सेप्टिसीमिया जैसे हो जाता है, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी लो ब्लड प्रेशर देखा जाता है, और कुछ दवाओं के कारण भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ध्यान से जरा इसको सुनिए, कई लोग डायुरेटिक खा रहे होते हैं जिससे पेशाब ज़्यादा आता है,
उससे ब्लड प्रेशर हो सकता है, या कुछ और दवाइयां कई प्रकार की, या कोई आप बहुत ज्यादा कुछ नशीली चीजों का यदि सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, टबैको बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, या किसी तरह की कोई भी मादक पदार्थ आप लेते हैं, तो उनसे भी आपका जो है ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ संजीवनी दर्शक हेमलता दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। हेमलता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी, मुझे ये पूछना था कि मेरे पेट में ना दर्द होने लगता है खाना खाने के बाद, जो तनाव हो जाता है ना वो एकदम से होने लगता है। देखिए, खाना खाने के बाद अगर पेट में दर्द होता है तो कहीं ना कहीं एक संकेत ये है कि अंदर या तो सूजन है, इन्फ्लेमेशन जिसको कहते हैं, कई बार पेट में अल्सर छाले हो जाते हैं उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है, या जो पेट के बाद का जो ड्यूडनम वाला हिस्सा है वहाँ पर कई बार छाले हो जाते हैं, या फिर जो है अपच इसका एक कारण होता है, इनडाइजेशन, खाना जो खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं है, गैस बन जाती है, गैस से पेट फूलता है, उससे पेट में दर्द भी होता है, तो कई कारण इसके हो सकते हैं। या फिर कोई और ऐसी जो है आपकी हाथों में कोई रोग पैदा हो गया है उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। एक तो आपसे निवेदन है कि एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिए पेट का, और उसकी जो रिपोर्ट आए वो हमारा जो सेहत का नंबर आपके पास होता है उस पर डायल करके रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं। आजकल तो हम लोगों ने, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, हमारे यहाँ वीडियो कंसल्टेशन भी आपकी चलती है, और बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे पास हैं। जैसे पेट का अलग से स्पेशलिस्ट आपको मिलेगा, डायबिटीज़ के अलग स्पेशलिस्ट हैं, आँखों के अलग स्पेशलिस्ट हैं, जीवा में बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं, उनसे आप जरूर परामर्श लें। अभी फिलहाल के लिए इतना मैं बता दूं, एक लवण भास्कर चूर्ण हमारा मिलता है वो मंगा लीजिए, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको वो चूर्ण। थोड़ा भोजन के पश्चात आप हल्का गुनगुना पानी कर लें, उसके साथ आधा चम्मच या एक टीस्पून भी ले सकते हैं, दोनों टाइम खाना खाने के बाद ये चूर्ण लें, उससे रिलीफ आपको कुछ डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन रोग का मूल कारण समझ करके और उसकी चिकित्सा करने के लिए हमारे डॉक्टर से आप बातचीत करें, ताकि आपके रोग के अनुसार उसको हम ठीक कर सकें, उसकी दवाई प्रॉपरली आपको दे सकें। डॉक्टर चौहान, ये बताएं कि अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसे अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए? देखिए, सरल है, आप पानी पिए और बहुत अच्छा रहेगा, नींबू पानी पिए, नींबू थोड़ा निचोड़ लें और थोड़ा नमक भी डाल दें उसमें, नमक बहुत अच्छा फायदा करता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। आपने सुना होगा आमतौर पर लोग कहते हैं नमक खाओ, कम खाइए, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन जो लो ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं। ताज़ा फलों का रस भी आप पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, पालक, चुकंदर, गाजर, इनका जूस पी सकते हैं, इनका सूप भी बना करके आप पी सकते हैं, केला भी अच्छा रहता है, पोटेशियम उसके अंदर होता है, केला खाएं, गाजर का हलवा दूध में अच्छी तरह उबाल करके वो खाएं, ताकत की चीज़ें हैं। आप खीर भी खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खानी, उतनी खाइए जो पचेगी। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि लाइफस्टाइल थोड़ा सा आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए योगा करें, स्ट्रेचिंग करें, स्विमिंग कर सकते हैं, और नींद अच्छी आनी चाहिए। नींद अच्छी आए और रेगुलर टाइमिंग ऑफ स्लीप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप रात को 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं। लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस भी आपको कम करना है, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, स्ट्रेस होती है, उसके कारण भी प्रॉब्लम बढ़ती है। प्राणायाम करना चाहिए, जीवा मेडिटेशन तो बहुत पॉपुलर है आज दुनिया भर में, सभी लोग कर रहे हैं, आपको मालूम है, यूट्यूब पर जाएंगे तो जीवा मेडिटेशन सर्च करिए, वो बहुत अच्छी एक मेडिटेशन है और भी कई फायदे करती है। स्मोकिंग बंद कर दीजिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, ड्रग्स वगैरह कोई नहीं लेनी है, और जंक फूड भी नहीं खाना। संजीवनी दर्शक दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से, उनसे बात करेंगे। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। हेलो, हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी बताइए। डॉक्टर साहब, मैं सारे फल फ्रूट हर चीज खाता हूँ लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ता, तो अच्छा, थोड़ा पेट में भी दिक्कत सी रहती है। वजन नहीं बढ़ता लेकिन वैसे शरीर में कोई कमजोरी महसूस करते हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, देखो जैसे आपने कहा कि पेट में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है और थोड़ा कमजोरी महसूस करते हैं, तो ये संकेत ये कर रहा है कि आप डाइट तो अच्छी ले रहे हैं, पोषक चीजें खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हैं, लेकिन आपका खाना कहीं ऐसा है कि पच नहीं रहा है ठीक से। जैसे कहते हैं ना, खाया पिया शरीर में लगता नहीं है, उसका कारण है हमारा पाचन ठीक ना हो या एब्जॉर्प्शन ठीक ना हो, भोजन जब पचने के बाद बॉडी में अच्छी तरह एब्जॉर्ब ना हो,
तो इसके लिए एक सरल सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। आम सौंठ, जीरा, धनिया तीनों जो हैं बराबर बराबर 10-10 ग्राम लेने, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम, ये सब मिला करके आप चूर्ण बना लो। बना बनाया भी जीवा में मिल जाएगा आपको, और ये चूर्ण आप सेवन करना शुरू करिए। साथ में अगर वजन बढ़ाना है तो एक बार हमारे डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए, आपको प्रॉपर डाइट भी बताएंगे। और कुछ ऐसे हमारे जो है आयुर्वेद के टेबलेट्स होती हैं जिनको हम सप्लीमेंट्स कहते हैं, नेचुरल हैं, जो आपके शरीर में शक्ति भी बढ़ाएंगे और आपका बॉडी जो है, जो मसल्स हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। आप नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।